हेलो एवरीवन। तो अब ये हमारे सेकंड चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमने अपनी सीरीज शुरू की है रीड विद मी सीरीज। ये एकदम मैराथन रेस की तरह है, बहुत जल्दी मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर चुके हैं, उधर एंडोक्राइन सिस्टम चल ही रहा है और आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको जल्दी कंप्लीट करने की सोचा है। तो बस लाइक करते रहिए, वीडियो देखते रहिए कंप्लीट, और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। फिर आप इसके बाद जो भी बुक पढ़ते हैं वो सब बुक्स आपको सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है। चलिए तो सेकंड चैप्टर अपना शुरू करते हैं, माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ माउथ, फंक्शंस ऑफ माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशंस, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स ऑन सलाइवरी सिक्रीशन एंड उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी। यानी सबसे पहले हम माउथ की एनाटॉमी देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे। माउथ के अंदर हमारा मेन पॉइंट कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है सलाइवरी ग्लैंड की, उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है सलाइवा का, फंक्शन क्या होता है सलाइवा का डाइजेशन पर, रेगुलेशन कैसे होता है सलाइवा का सिक्रीशन, और इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स ऑन सलाइवरी सिक्रीशन, और लास्ट में उसका अप्लाइड पार्ट। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ माउथ। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ माउथ, माउथ इज अदरवाइज नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। अलग अलग बुक्स पढ़ोगे ये तीनों नाम आपको मिल जाएंगे, तो माउथ या ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इट इज फॉर्म्ड बाय चीक्स, लिप्स एंड पैलेट। इट एनक्लोजेस द टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ ओपन्स एंटीरियरली टू द एक्सटीरियर थ्रू लिप्स एंड पोस्टीरियरली थ्रू फॉसिस इन टू द फेरिंग्स। तो जो पीछे की जो ओपनिंग होती है माउथ में उसको बोलते हैं फॉसिस, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉसिस। देखिए सिंपल मैं आपको बता दूं, यहां पर ये माउथ है, तो इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ये कहां से हो रही है, लिप्स से। ये क्या है, लिप्स। और फिर यहां पर ये डाउन, यहां पर क्या है, टंग। और ये जो, तो ये जो सर्कल है यानी जहां से ये ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं फॉसिस। क्या बोलते हैं, फॉसिस। और इधर देखिए नेसल एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, है ना, इधर हार्ड प्लेट होती है, ये हार्ड प्लेट है, पीछे की तरफ सॉफ्ट प्लेट, और ये एक्सटर्नल लेयर्स पीछे जाके इंटरनल लेयर्स में ओपन होते हैं। इधर होता है ईयर, ईयर में यूस्टेचियन ट्यूब यहाँ खुलती है। तो ये पूरा एरिया ये है, ये इसके बाद फॉसिस के बाद वाला कहलाता है फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के फिर तीन पार्ट होते हैं, एक होता है नेसो फेरिंग्स ऊपर वाला, और वो फेरिंग्स जो जस्ट फॉसिस के सामने है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेसिक आपको एनाटॉमी क्लियर होगी। इसके बाद देखते हैं डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द माउथ इज सलाइवा विच इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो माउथ में जो डाइजेस्टिव जूस है उसका नाम क्या है, सलाइवा, और उसे कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव जूस इज प्रेजेंट इन माउथ इज सलाइवा विच इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ये वर्ड क्लियर है सबको, तो मेन डाइजेस्टिव जूस कौन सा माउथ में, सलाइवा। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ माउथ, फंक्शंस देखते हैं। माउथ के फंक्शन क्या है सबको पता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ माउथ इज ईटिंग एंड इट हैज फ्यू अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शन इज ईटिंग एंड सेकेंडरी फंक्शन इज टीचिंग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बोल बोलकर, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन ऑफ माउथ इंक्लूड इंजेशन ऑफ फूड मटेरियल, च्यूइंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग इट विद सलाइवा, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड टू द ईसोफेगस बाई स्वेलोइंग, है ना, खाने को गटकना जो बोलते हैं स्वेलोइंग, रोल इन द स्पीच बोलने में, एंड सोशल फंक्शन सच एज स्माइलिंग एंड अदर एक्सप्रेशन। तो विद द हेल्प ऑफ लिप्स और ये सर्कुलर मसल्स होते हैं माउथ के आसपास, उससे आप क्या देते हैं, सोशल एक्सप्रेशन देते हो। तो ये सारे फंक्शन है, ज्यादातर फंक्शन किससे, डाइजेशन से रिलेटेड है, स्पीच वाला और सोशल फंक्शन जो है क्या कहते हैं, स्माइलिंग और एक्सप्रेशन वाला, ये बस आपको अलग से याद करना है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन माउथ का क्या रहेगा, ईटिंग ही रहेगा, क्लियर। अब माउथ में कौन सी ग्लैंड थी,
सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड को देखते हैं क्या बता रहा है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड बता रहा है हमको, इन ह्यूमंस द सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय थ्री पेयर्स ऑफ मेजर लार्जर सलाइवरी ग्लैंड एंड सम माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो कितने पेयर हैं ग्लैंड के? तीन पेयर हैं, है ना, तीन पेयर हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड के, और थोड़े बहुत छोटी मोटी वैसी सलाइवरी ग्लैंड भी होती है। पहले हम समझते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है। मेजर सलाइवरी ग्लैंड में आती है आपकी कौन सी? मेजर सलाइवरी ग्लैंड में आती है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल, है ना, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल, ये तीन होते हैं। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या इनका फंक्शन है और कैसे ये इफेक्ट करते हैं। चलिए पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट, पॉइंट याद कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, है ना। तो पैरोटिड इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सलाइवरी ग्लैंड, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ फेस जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ईच ग्लैंड वेट्स अबाउट 20 टू 30 ग्राम इन एडल्ट। सिक्रीशन फ्रॉम दीज ग्लैंड आर एम्प्टीड इन टू द ओरल कैविटी बाई विच डक्ट, डक्ट का नाम पूछ लेते हैं पैरोटिड की ग्लैंड का, डक्ट का नाम क्या है? एक्सटेंशन डक्ट। तो ये एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू, क्योंकि ये कैसी ग्लैंड है भाई, पैरोटिड ग्लैंड कैसी, एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगी, इसके लिए अपना पूरी डक्ट सिस्टम है, ये अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू करती है, ठीक है। दिस डक्ट इज अबाउट 35 mm टू 40 mm लॉन्ग एंड ओपन्स इनसाइड द चीक्स अगेंस्ट द अपर सेकेंड मोलर टूथ। हमारा अपर वाला जो सेकेंड मोलर है वहां पर ये क्या करेगा, ये ओपन होगा अपर सेकेंड मोलर के रूट के पास, यहां पर इसकी ओपनिंग होती है इस ग्लैंड की, ठीक है। नेक्स्ट सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोल लो या फिर इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोल लो, आर लोकेटेड इन सब मैक्सिलरी ट्राइंगल मीडियल टू द मैंडिबल, ठीक है, सब मैक्सिलरी ट्राइंगल मीडियल टू द मैंडिबल। ईच ग्लैंड वेट्स 8 टू 10 ग्राम, सलाइवा फ्रॉम दीज ग्लैंड एम्प्टीड इन टू ओरल कैविटी बाई वाल्टन्स डक्ट। तो सब मैक्सिलरी का डक्ट का नाम क्या है? वाल्टन्स डक्ट। इट इज अबाउट 40 mm लॉन्ग। द डक्ट ओपन्स एट द साइड ऑफ फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। फ्रेन्यूलम कहाँ होता है? जहां से टंग जुड़ी रहती है बेस के साथ, है ना, माउथ कैविटी में बेस के साथ जुड़ी रहती है। जब आप अपने टंग को शीशे में देखते हो उठाकर, तो एक धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखता है सेंटर में, दैट इज फ्रेन्यूलम, जो अटैचमेंट होता है टंग का। बाई मीन ऑफ स्मॉल ओपनिंग, बाई मीन ऑफ स्मॉल ओपनिंग ऑन समिट ऑफ पैपिला कॉल्ड कारुनक्यूला सबलिंगुलैरिस, ठीक है, क्या नाम है? कारुनक्यूला सबलिंगुलैरिस। ओपनिंग का नाम क्या है? ये ओपनिंग का नाम है, क्लियर। तो ये वाल्टन्स डक्ट हो गई, पैरोटिड की नाम एक्सटेंशन डक्ट हो गई। अब आगे देखते हैं, थर्ड डक्ट का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड मतलब सब लिंगुअल, लिंगुअल माने टंग, टंग के नीचे वाली ग्लैंड, तो सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है? सबलिंगुअल, और लार्जेस्ट कौन सी है? पैरोटिड। सिचुएटेड इन द म्यूकोसा ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, ईच ग्लैंड वेट्स 2 to 3 ग्राम, सलाइवा फ्रॉम दीज ग्लैंड इज पोर्ड इन टू 5 to 15 स्मॉल डक्ट्स कॉल्ड डक्ट्स ऑफ रिविनस। इसकी डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ रिविनस। तो ये 5 to 15 स्मॉल डक्ट, ये सिंगल डक्ट नहीं होती, याद रखना, बाकी दोनों की दोनों सिंगल डक्ट थी, ये मल्टीपल डक्ट होती है, इनको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। द डक्ट्स ओपन ऑन स्मॉल पैपिला बीनीथ द टंग। वन ऑफ द डक्ट इज लार्जर एंड इट इज कॉल्ड बार्थोलिन डक्ट। अब इन डक्ट में जितनी भी डक्ट है, इनमें एक बड़ी डक्ट होती है जिसका नाम क्या है? बार्थोलिन डक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये 5 से लेकर 15 काउंट होती है, इनमें जो सबसे बड़ी वाली है उसका नाम है बार्थोलिन डक्ट। इट ड्रेन्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लैंड एंड ओपन्स ऑन द कारुनक्यूला सबलिंगुलैरिस नियर द ओपनिंग ऑफ सब मैक्सिलरी डक्ट। तो यहां पर देखिए बार्थोलिन डक्ट, बार्थोलिन ग्लैंड भी होती है फीमेल के अंदर, आपको नाम याद आ रहा होगा, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड होती है फीमेल्स के अंदर होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। बार्थोलिन 2-3 जगह नाम आता है एनाटॉमी में, और ध्यान करो और भी कहीं आता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। चलिए माइनर सलाइवरी ग्लैंड,
तो यहां पर देखिए टेबल के थ्रू भी हमने यहां पर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। डक्ट ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड, पेरोटिड का नाम क्या था, स्टेंशन था, सब मैक्सिलरी का नाम वॉर्डन था, और सबलिंगुअल का नाम डक्ट ऑफ रेविनस, जिनमें सबसे बड़ी वाली का नाम क्या था, पार्थोलिन डक्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो चाहो तो ये देखो, ये है हमारी जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूं, और इसकी डक्ट कहां हो रही है, अपर सेकेंड मोलर। ठीक है, यहां पर ओपन हो रही है, इस डक्ट का नाम है स्टेंशन डक्ट। क्या नाम है, स्टेंशन डक्ट, किसका, पेरोटिड। ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद आपकी है दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, ये हो गई सब मैक्सिलरी येलो कलर से, और ओपन कहाँ हो रही है, जस्ट यहां पर, और इसी के यहां से क्रॉस हो रही है, इसी के पास से, इसी के जस्ट नीचे यहां पर क्या होती है, टंग होती है, तो टंग के नीचे होती है डक्ट ऑफ रेविनस, है ना। तो टंग के नीचे कौन सी है, इसकी डक्ट का नाम क्या है, इस वाली का, इसका नाम है वॉल्टन्स डक्ट। और जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये जो शेडेड एरिया, ये इस शेडेड एरिया का नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। और इसकी जो ये सबसे, एक तो स्मॉलेस्ट है, और इसकी डक्ट भी छोटी छोटी सी होती है, 5 से 15। जब सबसे बड़ी डक्ट है उसका नाम क्या है, बार्थोलिन डक्ट। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स को देख लेते हैं। अब मेजर की जगह तो देख चुके हैं हम, अब देखेंगे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स को। ठीक है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी है, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड्स एंड लेबियल ग्लैंड्स। ठीक है, ये कैसी है, माइनर है। क्या है, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बिहाइंड द सर्कमवैलेट पैपिले एंड एट द टिप ऑफ मार्जिन ऑफ टंग। ठीक है, कहां पर होते हैं ये, इनकी सिचुएशन क्या है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, है ना, एंटीरियर 2/3। देखिए टंग होती है इस तरीके से, मैं आपको बता दूं, ये टंग है। ठीक है, यहां पर एक इनवर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और यहां पर सर्कमवैलेट पैपिले, है ना, तो इसके पीछे वाला एरिया बिहाइंड द सर्कमवैलेट पैपिले एंड एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ टंग, यहां पर और टिप एंड मार्जिन, यहां पर दोनों जगह इस टंग पर क्या होंगे, आपके लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड। सीरस ग्लैंड कहां मिलता है, म्यूकस और सीरोसा तो पता है ना, सीरस वाटर लाइक होता है, म्यूकस थोड़ा सा चिपचिपा होता है, म्यूकोइड होता है। ठीक है, लिंगुअल सीरस ग्लैंड कहां पर है, सीरस ग्लैंड आर लोकेटेड नियर द सर्कमवैलेट पैपिला एंड फिलीफॉर्म पैपिला। तो यहां पर फिलीफॉर्म होता है और सर्कमवैलेट इसनी पोर्शन पर, बक्कल ग्लैंड, यानी ओवरऑल इतना याद रखो, माइनर वाली ज्यादातर टंग पर है, इतना कौन डिटेल याद रखोगे तुम, बस याद कर लो कुछ सर्कमवैलेट के पीछे हैं, कुछ सर्कमवैलेट के पास हैं, यानी है सबके सब टंग के सरफेस पर, है ना। लिंगुअल वाली, लिंगुआ माने टंग होता है, इससे याद कर लो, लिंगुआ मतलब टंग पर दो तरीके की होती है, एक म्यूकस सिक्रेट करती है और एक सीरस फ्लूट सिक्रेट करती है, कहां से करती है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बक्कल ग्लैंड की बात करूं तो बक्कल ग्लैंड्स आर मोलर ग्लैंड्स, ये देखिए नाम अच्छा मिल गया ना, मोलर ग्लैंड्स, पूछना हो किसी से वेयर आर मोलर, तो ये मोलर ग्लैंड जो होती हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बकिनेटर मसल। कौन कौन सी मसल के बीच में, बकिनेटर मसल होती है कहां, जो चीक पर होती है ना उसको। 4 to 5 ऑफ दीज आर लार्ज एंड सिचुएटेड आउटसाइड द बकिनेटर अराउंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ पैरोटिड डक्ट। तो पैरोटिड डक्ट जहां ओपन होती है उसके आसपास के एरिया में इनकी ओपनिंग होती है, और बक्कल कैविटी यानी मोलर ग्लैंड इसके बोलते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है कौन सा होता है, यहाँ पर सेकंड मोलर के पास ही आपकी ये ओपन होती है पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट का नाम क्या था, स्टेंशन डक्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेंशन डक्ट के पास कुछ ये 4 से 5 ग्लैंड की ओपनिंग्स होती है वहां पर, और वो सिचुएटेड होती है बकिनेटर मसल और म्यूकोसा के बीच में। लेबियल, लेबियल माने अगेन लिंगुआ हो गया, लेबियल माने लिप्स, है ना। तो लेबियल ग्लैंड सिचुएटेड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द ओरिफिस ऑफ माउथ, माउथ की ओपनिंग के पास, और यानी लिप्स के अंदर वाली साइड में जो टीथ से टच होता है उस वाले एरिया में होती है ग्लैंड्स। ठीक है, तो इन सबका मेन काम क्या है, माउथ को मॉइस्ट रखना, ड्राइनेस ना आ पाए माउथ में, है ना। लास्ट है आपकी पैलेटल ग्लैंड। पैलेटल ग्लैंड कहां होगी, ग्लैंड्स आर फाउंड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सॉफ्ट पैलेट।
पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट का होता है, आगे हार्ड पैलेट होता है, टंग टच करके दिए अपने रूफ पर, माउथ कैविटी के रूफ पर टंग टच करिए और उस टंग को पीछे की तरफ ले जाइए, पीछे की तरफ सॉफ्ट होता चला जाएगा, दैट इज सॉफ्ट प्लेट। और जहां तक हार्ड रहता है रूफ, वो क्या है, हार्ड पैलेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, अब जरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये तो टाइप्स हो गए मेजर और माइनर। मेजर में तीन हो गई, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। माइनर में पैलेट पे एक हो गई, और लेबिया, लेबियल मतलब लिप्स पर हो गई, पैलेट पर हो गई, दो टंग पर हो गई, है ना, लिंगुअल सीरस और लिंगुअल कौन सा, लिंगुअल सीरस और दूसरा था लिंगुअल म्यूकोसस। ठीक है, और बाकी कहाँ हो गई, चीक्स पर, बकिनेटर है ना, वो हो गई चीक्स पर। क्लियर, यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। बकल ग्लैंड्स देख लिया, इनको मोलर ग्लैंड्स बोला गया, इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, इसे याद रखने में दिक्कत होती है, इसको ध्यान से याद कर लेना, ये दिमाग से निकल जाता है जनरली। ठीक है, ये हो गई सारी माइनर ग्लैंड। मेजर ग्लैंड तो आपको नीट की तैयारी के दौरान भी पढ़ाई जाती है, माइनर नहीं पढ़ाते, ये तो आपने पढ़ी होंगी सबने। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सिक्रीशन। या तो वो सीरस होगी, या म्यूकस होगी, या मिक्स होगी। सीरस में क्या होगा, द सीरस ग्लैंड्स आर मेनली मेड अप ऑफ सीरस सेल। कैसे सेल का बना होगा, सीरस सेल्स का बना होगा। दीज ग्लैंड सिक्रीट थिन एंड वॉटरी सलाइवा। पैरोटिड ग्लैंड्स एंड लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स आर द सीरस ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड कैसी ग्लैंड है, सीरस ग्लैंड है, और छोटे वाली मतलब माइनर वाली ग्लैंड पे लिंगुअल वाली जो है, लिंगुअल वाली भी हमारी एक सीरस ग्लैंड होती है। ठीक है, म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड मेनली मेड अप ऑफ म्यूकस सेल है ना। दीज ग्लैंड सिक्रीट थिक विस्कस सलाइवा विद हाई म्यूसिन कंटेंट, है ना, चिपचिपापन किसकी वजह से होता है, म्यूसिन की वजह से। तो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, बकल ग्लैंड एंड पलेटल ग्लैंड बिलोंग टू म्यूकस ग्लैंड। तो ये तीन किस कैटेगरी में आती है, म्यूकस ग्लैंड में। कौन कौन सी, लिंगुअल है ना, लिंगुअल वाले टंग का म्यूकस वाला, बकल ग्लैंड जिसको मोलर ग्लैंड भी बोलते हैं, और पैलेटल ग्लैंड। ये तीनों की तीनों किस में आती है, आपकी म्यूकस में। मिक्स ग्लैंड में कौन कौन सी आती है, मिक्स ग्लैंड आर मेड अप ऑफ बोथ सीरस एंड म्यूकस, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड लेबियल आर मिक्सड ग्लैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाना चाहिए, ये तीनों की तीनों कैसी है, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और ये मिक्स ग्लैंड है। इनके अंदर सीरस भी होता है और म्यूकस भी होता है, और पैरोटिड जो है वो प्योरली सीरस ग्लैंड है, याद ये रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें मेजर के फंक्शंस तो याद होने ही चाहिए कम से कम। क्लियर यहां तक, चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डक्ट सिस्टम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट सिस्टम है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाई एसिनाई और एल्वियोलाई, है ना, एसिनाई या एल्वियोलाई कैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस तरीके के, जिसमें एक डक्ट हो गई, ये एल्वियोलाई लंग्स में होते हैं ना, ये एक डक्ट हो गई और ये मेनली एल्वियोलाई वाला पार्ट हो गया, या जिसको एसिनाई भी बोलते हैं, ये बल्बस अंगूर के गुच्छे जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एसिनाई या एल्वियोलाई। ईच एसिनस इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल विच सराउंड द सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी। द सेंट्रल कैविटी ऑफ ईच एसिनस इज कंटिन्यूड विद द ल्यूमेन ऑफ डक्ट। द फाइन डक्ट ड्रेनिंग ईच एसिनस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डक्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डक्ट। तो ये इस तरीके से समझ लो आप, जैसे ये एक कौन सा, ये कौन सा, सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी, सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी CGC। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये ल्यूमेन हो गया इसका, तो इसका दूसरा ल्यूमेन कहाँ होगा, तो ये ल्यूमेन कहाँ ओपन होता है, CGC में, है ना। और इसके आसपास कौन से होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स। तो ये अपना जो भी सिक्रीशन यहां से करेंगे ये इस डक्ट के थ्रू बाहर जाएगा। इस डक्ट का नाम क्या बताया इसने, इंटरकैलेटेड, इंटरकैलेटेड, इंटरकैलेटेड डक्ट। मैनी इंटरकैलेटेड डक्ट जॉइंट टू अदर इंट्रालोबुलर। अब ऐसे एक दो तीन चार ऐसे कई सारी आकर एक को ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंट्रालोबुलर, इंट्रालोबुलर, क्लियर, इसको हम इंट्रालोबुलर डक्ट बोलेंगे। फ्यू इंट्रालोबुलर डक्ट जॉइंट टू फॉर्म इंटरलोबुलर डक्ट। अब ऐसे ऐसे इंट्रा बन सारे के सारे क्या बना देंगे, एक इंटरलोब्यूलर। ये सब किस में जुड़ जाएंगे, इंटरलोबल में, इंटरलोब्यूलर। पहला इंट्रा था, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब दो लोब्स के बीच में, इंटरलोब्यूलर डक्ट।
विच यूनाइट टू फॉर्म मेन डक्ट ऑफ द ग्लैंड, और ये मिलकर सारी इंटर लोबुलर डक्ट यानी हर डक्ट, हर लोब के बीच में जो डक्ट है वो सब मिलकर बनाएंगी मेन डक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो पहले इंटरकैलेटेड, फिर इंटरलोबुलर, देन इंटरकैलेटेड, देन इंट्रालोबुलर, देन इंटरलोबुलर, और फाइनली क्या बनेगा? फाइनली हम बनाएंगे इससे मेन डक्ट ऑफ द ग्लैंड। अ ग्लैंड विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड रेसमोस ग्लैंड। रेसमोस माने कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप, देखिए अंगूर के गुच्छे जैसा है ना, तो किस टाइप का हो गया ये? रेसमोस ग्लैंड। इस टाइप की ग्लैंड कैसी हो गई? रेसमोस ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली किस टाइप की होती है? रेसमोस टाइप की होती है, अंगूर के गुच्छे की तरह, यानी एक अंगूर के गुच्छे का मेन पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन डक्ट। उसमें से कई सारी इंटरलोब्यूलर निकल रही है, इंटरलोब्यूलर में से कई सारी इंट्रालोब्यूलर निकल रही है, इंट्रालोब्यूलर में से कई सारी इंटरकैलेटेड निकल रही है, और हर एक इंटरकैलेटेड किस में खुलती है? सीजीसी में, यानी सेंट्रल कैविटी। किसकी सेंट्रल कैविटी? सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी। और उस ग्लोबुलर कैविटी की जो वॉल बनी हुई है, वो वॉल किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स की। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा देखते हैं, वॉल्यूम कितना निकलता है हमारे माउथ में? 1000 ml टू 1500 ml, यानी 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है पर डे, है ना। कुछ लोग तो इतना पानी भी नहीं पीते, इसलिए कहते हैं पानी पी लिया करो। इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1 ml पर मिनट, 1 ml सलाइवा पर मिनट निकलता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। दूसरा है इस ग्लैंड के प्रॉपर्टीज में रिएक्शन, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और टोनिसिटी देख लेते हैं। रिएक्शन कैसा है? मिक्स्ड सलाइवा फ्रॉम ऑल द ग्लैंड्स इज स्लाइटली एसिडिक। तो सलाइवा कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच कितनी? 6.35 टू 6.85। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.02 टू 1.012 तक। टोनिसिटी, सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। कैसा है? हाइपोटोनिक, हाइपर नहीं है, वर्ड याद रखना, हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। क्लियर। इसके बाद ये देखिए, जो डायग्राम मैंने आपको बना के समझाया था वो इसमें भी दे रखा है। ये क्या है? मेन डक्ट है। ठीक है, ये क्या है? मेन डक्ट। मेन डक्ट किससे बनेगी? इंटरलोब्यूलर, एक इंटरलोब्यूलर ये हो गई और एक इंटरलोब्यूलर ये हो गई, है ना। इंटरलोब्यूलर किससे बनेगी? इंट्रालोब्यूलर, ये देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके इंटरलोब्यूलर मिलकर एक इंटरलोब्यूलर में बन गई। फिर इसके बाद क्या था? फिर इंट्रालोब्यूलर में से क्या निकल रहा है? इंट्रालोब्यूलर डक्ट में से क्या निकल रहा है? इंटरकैलेटेड डक्ट निकल रही है, और हर एक इंटरकैलेटेड डक्ट एक कैविटी में खुल रही है, इंडिविजुअल कैविटी में, जिसको हम क्या बोलते थे? एसिनस, है ना। तो एसिनस, एसाइनस या एल्वियोलाई बोल देते थे। तो इसमें क्या होता है? आपको पता है कोई भी एपिथेलियल सेल होगा ग्लैंड जाना, तो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल सेल की बनी होती है। उसमें बाहर की तरफ क्या होगा? एंडो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन में तो कोई सेल नहीं होता। ठीक है, और उसके अंदर इस तरीके के म्यूकस सेल हो सकते हैं और सीरस सेल। मिक्स ग्लैंड में दोनों तरीके के सेल मिलेंगे इसके अंदर वाली वॉल पे, समझ आ रही है। और इंटरगैलेटेड डक्ट में क्या मिलेंगे? ज्यादातर म्यूकस सेल ही मिलते हैं, सीरस सेल नहीं मिलते। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है समझने का इस डायग्राम को। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईच सलाइवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड से कितना निकलता है? 25%, जबकि सबसे लार्जेस्ट है, आपको पता है सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट है सबलिंगुअल, तो स्मॉलेस्ट तो स्मॉल ही देगा, 5%, सबसे कम, साइड भी सबसे कम और कॉन्ट्रीब्यूशन भी सबसे कम। जो सब मैग्जिलरी है वो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है सलाइवा में, याद रखना इस बात को। मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? सब मैग्जिलरी ग्लैंड का। क्लियर। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, मिक्स्ड सलाइवा कंटेन 99.5% वाटर। अरे भाई, 99.5% कितना है? वाटर है। कुल 0.5% इसमें सॉलिड होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा इज गिवन इन द फिगर 37.3। देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है कॉम्पोजिशन में, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें हमें एक बात समझ में आई कि भाई 99% तो सलाइवा क्या है? वाटर ही है, कुछ है ही नहीं। कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा देख लेते हैं डायग्राम में, तो 37.3 में, ठीक है। देखिए, जैसा अभी इन्होंने बोला सलाइवा, सलाइवा कंटेंस वाटर 99.5% एंड सॉलिड 0.5%।
अब इस सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे और गैसेस होंगी। ठीक है, पहले गैसेस देख लेते हैं। कौन सी गैस होंगी? CON, कौन, है ना, ऐसे याद कर लो, कौन, CON। कौन सी गैस होंगी? CON, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक में क्या होगा? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में बात करें तो ऑर्गेनिक में एंजाइम्स होंगे और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। तो अदर ऑर्गेनिक को पहले देखते हैं, जैसे म्यूसिन। म्यूसिन से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? म्यूकॉइड, है ना, एल्बुमिन, प्रोलिन रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन, IgA एंटीबॉडी। पूछ लेते हैं, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, एंटीबॉडी, है ना, IgA मिलती है बॉडी फ्लूड में, IgA ही मिलती है ज्यादातर बॉडी फ्लूड में, है ना। ब्लड ग्रुप एंटीजन, फ्री एमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लाइक नॉन प्रोटीनियस है, आपको पता है ये चीज, प्रोटीन नहीं बनाते ये, वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कौन से हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ज़ेंथाइन एंड हाइपोज़ेंथाइन। तो सलाइवा में तीनों चीज मिल रही है, देखो, यूरिया भी मिल रहा है, यूरिक एसिड भी मिल रहा है, क्रिएटिनिन भी मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं एमाइलेज एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स में कौन कौन सा? एमाइलेज, जिसको टाइलिन बोलते हैं, सबसे ज्यादा यही आपने पढ़ा होगा आज तक, है ना। इसके अलावा और कौन कौन से? माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइजोजाइम्स, इनका एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है लाइसोजाइम्स का, फॉस्फेटेज, कार्बोनिक हाइड्रेज और कैलिक्रीन। कैलिक्रीन क्या है? कैलिक्रीन हम लास्ट वाली वीडियो में देखेंगे, लोकल हार्मोन्स में उसको डिस्कस किया गया है कैलिक्रीन को। ठीक है, ध्यान रखना, लोकल हार्मोन्स में इसको डिस्कस किया गया है कैलिक्रीन को। इसके बाद ये स्टेटमेंट और लिख लीजिए, नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा बट इट इज फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस के टाइम पर बॉडी फ्लूड्स में भी शुगर आने लगती है, ये याद रखिए। ठीक है, जनरली ग्लूकोज नहीं होता सलाइवा में। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा, सलाइवा के क्या फंक्शन है। तो सलाइवा इज वेरी एसेंशियल डाइजेस्टिव जूस, सिंस इट हैज मेनी फंक्शन, इट्स एब्सेंस लीड्स टू मेनी इनकन्वीनियंस। अगर ये एब्सेंट हो जाए या इसमें कोई दिक्कत हो जाए तो काफी इनकन्वीनियंस हो जाती है। नंबर वन, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलोइंग। आप सूखे खाने को अंदर घटक नहीं सकते, है ना, सूखे खाने को आप अंदर घटक ही नहीं सकते। अभी कभी इसका एग्जाम्पल देखना है तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी ड्राई पाउडर लाइक चीज खाइए, वो गले में चिपक जाती है, अंदर जा ही नहीं पाती। पाउडर लाइक चीज अगर आप एकदम से खाओगे ना, उसके साथ आपको पानी पीना ही पड़ता है। ठीक है, वेन फूड इज टेकन इन टू द माउथ इट इज मॉइस्टेंड एंड डिजोल्व बाई सलाइवा, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज ऑल्सो मॉइस्टेंड बाई सलाइवा, इट फैसिलिटेट chewing by the movement of tongue and moistened and masticated food is rolled into the bolus. तो माउथ में क्या बनता है खाने का? खाने की जो बोल सी बन जाती है, जो कहाँ जाती है? ईसोफेगस में, उसको बोलस बोलते हैं। ठीक है, म्यूसिन इन द सलाइवा लुब्रिकेट द बोलस एंड फैसिलिटेट स्वेलिंग। और बोलस जो बना, ये छोटे छोटे पार्टिकल मिल्क है, जो एक गस्सा बना है ना, जिसको खाने का एक गस्सा, तो उस गस्से को आसपास से क्या कवर कर लेता है? म्यूसिन। म्यूसिन से कैसा हो जाता है? इसका जो सरफेस है वो आपकी GIT की वॉल पर स्क्रैचेस नहीं बनाएगा, उसके लुब्रिकेंट का काम करेगा ये, है ना। तो ये आसानी से हम इसको स्वेलो कर सकते हैं। नंबर टू, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट इज केमिकल सेंसेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक कोई चीज सलाइवा में डिजोल्व नहीं होगी तब तक हम उसका टेस्ट नहीं बता सकते, ये बेसिक रूल है, है ना। आप सूखी लकड़ी के टुकड़े को खाकर देखिए, उसका टेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो सलाइवा में डिजोल्व नहीं होगी। जो चीज सलाइवा में डिजोल्व होगी आप उसी का टेस्ट बता सकते हो। क्लियर। बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन सलाइवा डिजोल्व द सॉलिड फूड सब्सटेंस सो दैट द, देखते हैं क्या बोला है अगले पेज पे, यस, so that the dissolved substance can stimulate the taste bud, है ना, the stimulated taste bud can recognize the taste. तो जब तक substance dissolve नहीं होगा तब तक taste bud को कुछ पता चलेगा ही नहीं। Digestive function, saliva has three digestive enzymes, namely salivary amylase, maltase and lingual lipase. ये हमने table में भी देखा था, salivary amylase का क्या काम है जरा देख लेते हैं। सलाइवरी एमाइलेज इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग या एमाइलोलाइटिक एंजाइम, इट एक्ट ऑन कुक्ड एंड बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू डेक्सट्रिन एंड माल्टोज। दो द स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, मेजर पार्ट ऑफ इट अकर इन द स्टमक बिकॉज द फूड स्टे ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द माउथ,
ऑप्टिमम पीएच नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इज 6, सलाइवरी एमाइलेज कैन नॉट एक्ट ऑन सेल्यूलोज। ठीक है, तो याद रखिए सेल्यूलोज पर एक्ट ये नहीं कर सकता, और ये किस पर काम करता है, केवल कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च पर ही काम करता है, और उसे कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में या डाइसेक्राइड में, यानी डेक्सट्रिन और माल्टोज। ठीक है, सेल्यूलोज पर ये एक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, याद करिए अल्फा और बीटा वाला फंक्शन केमिस्ट्री के हिसाब से क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास जो एंजाइम्स हैं कौन से वाले हैं, अल्फा वाले हैं, और सेल्यूलोज की बॉन्डिंग कौन सी होती है, बीटा वाले, इसीलिए हम अल्फा एमाइलेज लिखते हैं जब एमाइलेज को लिखते हैं ना, तो जहां पर एमाइलेज बॉन्डिंग बनेगी शुगर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वहां पर तो ये ब्रेक कर लेगा, जहां बीटा होगी वहां नहीं ब्रेक कर पाएगा, क्योंकि बीटा वाला हार्मोन हमारे, वो बीटा वाला क्या कहते हैं, एंजाइम हमारे पास नहीं होता। माल्टेज, माल्टेज इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रेसेस इन ह्यूमन सलाइवा एंड इट कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड, आपको पता है MLT है ना, MLT ये डाइसेक्राइड होते हैं, यानी माल्टोज लैक्टोज ट्रीहेलोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज ये दोनों फेमस क्या है, मोनोसेक्राइड है ना, इस तरीके से आपको याद होगा पहले का। तो लिंगुअल लाइपेज की अगर मैं बात करूँ तो लिंगुअल लाइपेज इज लिपिड डाइजेस्टिक या लाइपोलाइटिक एंजाइम है। इट सीक्रेटेड फ्रॉम द सीरस ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग। ये कहाँ से निकलता है, इसकी लोकेशन देखिए, याद रखिए सीरस ग्लैंड से, म्यूकस वाली से नहीं, सिचुएटेड ऑन द लिंगुअल ग्लैंड है ना, टंग की ग्लैंड का नाम कहते हैं लिंगुअल। इट डाइजेस्ट द मिल्क फैट, प्री एमल्सीफाइड फैट। इट हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड डाइग्लिसरॉल। ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और डाइग्लिसरॉल में तोड़ देता है, लाइपोलाइटिक एक्टिविटी कर देता है, यानी सिंपल लेवल पर ये डाइजेशन करा देता है, किसका, लाइपेज का, या कह सकते हैं मैं लिपिड का। ठीक है, टेबल 3.7.2 में क्या दिखाया गया देख लेते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज माल्टेज लिंगुअल लाइपेज। सोर्स ऑफ सिक्रेशन, ऑल सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, लिंगुअल ग्लैंड से निकलता है केवल लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, एक्टिवेटर तीनों का ही एसिड मीडियम है, और ये करते क्या क्या है, ये कन्वर्ट करेगा स्टार्च को माल्टोज में, ये कन्वर्ट करेगा माल्टोज को ग्लूकोज में। समझ में आ गई बात, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड से इसको डाइसेक्राइड मिलाएगा, ये डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड मिलाएगा, और ये कन्वर्ट करेगा ट्राइग्लिसराइड जो मिल्क में होता है, मिल्क फैट में जो ट्राइग्लिसराइड, उनको उनको फैटी एसिड एंड डाइग्लिसरॉल में। क्लियर, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज क्लींजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। सलाइवा का ये कौन सा फंक्शन है, जो देख लेते हैं। ड्यू टू कॉन्स्टेंट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा द माउथ एंड टीथ आर रिंस्ड एंड केप्ट फ्री ऑफ फूड डेब्रिस शेड एपिथेलियल सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल। इन दिस वे सलाइवा प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ बाय रिमूविंग मटेरियल विच में सर्व एज कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। वैसे भी आपको पता है सलाइवा में लाइजोजाइम्स होते हैं, जिनका क्या फंक्शन है, एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है लाइजोजाइम्स का, तो वो ग्रो नहीं करने देते उसको। एंजाइम लाइजोजाइम ऑफ सलाइवा किल्स सम बैक्टीरिया सच एज स्टेफिलोकस स्ट्रेप्टोकोकस एंड ब्रूसेला। ये तीनों कैटेगरी को लाइजोजाइम आसानी से जो माउथ में लाइजोजोम होते हैं वो किल कर देते हैं, तीनों तरीके के बैक्टीरिया को। नेक्स्ट इज प्रोलीन रिच प्रोटीन प्रेजेंट इन द सलाइवा पजेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। ये भी किसकी तरह, ये भी लाइसोजोम की तरह ही है, प्रोलीन रिच जो प्रोटीन है ना, प्रेजेंट इन द सलाइवा पजेस एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी एंड न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज टैनिंस। टैनिंस आर प्रेजेंट इन मेनी फूड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग द फ्रूट। तो ये एक सब्सटेंस होता है टैनिन है ना, टैनिंस। तो ये जो टैनिंस हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, फूड सब्सटेंस इंक्लूडिंग फ्रूट्स। ठीक है, एक और था सलाइवा में आपका लैक्टोफेरिन था। लैक्टोफेरिन का क्या, इसका भी काम क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। प्रोलीन रिच प्रोटीन एंड लैक्टोफेरिन प्रोटेक्ट द टीथ बाय स्टिमुलेटिंग एनिमल फॉर्मेशन। ठीक है, कि टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं किस प्रोसेस से, एनिमल फॉर्मेशन से, एनिमल फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कराते हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं। इम्यूनोग्लोबिन IgA इन सलाइवा आल्सो हैज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एंटी बैक्टीरियल भी है और वायरल भी है। और म्यूसिन प्रेजेंट इन द सलाइवा प्रोटेक्ट द माउथ बाई लुब्रिकेटिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। तो माउथ के म्यूकोसा को कवर क्या रखता है, म्यूसिन। इससे क्या है, ये लुब्रिकेटिंग फैक्टर रहता है, स्क्रैच वगैरह नहीं आते ड्राई खाना खाने से, है ना।
रोल इन द स्पीच बाय मॉइस्टनिंग और लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ एंड लिप्स सलाइवा हेल्प इन स्पीच इफ माउथ बिकम ड्राई आर्टिकुलेशन एंड प्रोनंसिएशन बिकम डिफिकल्ट. जैसा मैं एक लंबी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे साथ होता है, आपने देखा होगा आवाज चेंज हो जाती है काफी, मतलब क्रोकिंग साउंड हो जाती है, बहुत अकड़ी अकड़ी सी आवाज आने लगती है, क्योंकि जब तक माउथ में वो ड्राइनेस आ जाएगी तो उसके फिर वो टंग चिपकने लगती है गले में ज्यादा देर तक रीड करने से, है ना. चलिए, एक्सक्रीटरी फंक्शन. एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है? मेनी सब्सटेंस बोथ ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा. इट एक्सक्रीट सब्सटेंस लाइक मरकरी, पोटेशियम आयोडाइड, लेड एंड थायोसाइनेट. सलाइवा ऑल्सो एक्सक्रीट सम वायरसेस सच एज दोज कॉजिंग रेबीज एंड मम्स. और सलाइवा में और क्या निकलता है? रेबीज और मम्स के वायरस भी एक्सक्रीट आउट होते हैं. इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन सलाइवा एक्सक्रीट सर्टेन सब्सटेंस विच आर नॉट फाउंड इन सलाइवा अंडर नॉर्मल कंडीशन. एग्जाम्पल इज ग्लूकोज इन डायबिटीज मेलाइटस. इन सर्टेन कंडीशन सम ऑफ द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा आर एक्सक्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल एक्सेस यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट इन द सलाइवा ड्यूरिंग नेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस के केस में क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया सिक्रीट होने लगेगा. किसमें? आपके सलाइवा में. एंड एक्सेस कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड आउट ड्यूरिंग हाइपर पैराथायरॉइडिस. और हाइपर पैराथायरॉइडिस के केस में भी एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम सिक्रीट होने लगेगा. तो ये कुछ कंडीशन होती है तब सलाइवा कैसे काम करता है, एक्सक्रीटरी फ्लूड की तरह काम करने लगता है. उसके थ्रू बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है वो फूड के साथ मिलकर मतलब फूड के साथ निकल के फीकल मैटर के साथ बाहर हो जाता है बॉडी से, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू. नेक्स्ट इज, अगला फंक्शन है रेगुलेटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर. इन डॉग्स एंड कैटल्स एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग पैंटिंग. पैंटिंग मतलब जीभ निकाल के जो हाफते हैं ना उसको बोलते हैं पैंटिंग. हेल्प इन लॉस ऑफ हीट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. हाउएवर इन ह्यूमन बींग्स स्वेट ग्लैंड्स प्ले मेजर रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सलाइवा डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस फंक्शन. तो ह्यूमन के केस में सलाइवा को कोई खास रोल नहीं है, लेकिन डॉग और कैटल्स में ये हमको देखने को मिलता है. जिस तरीके से रेबीज के जिन कुत्तों को रेबीज हो जाता है तो उनके मुंह के सलाइवा में इसके वायरस मिलते हैं, जब वो किसी को काटते हैं तो वो उस पेशेंट को भी रेबीज हो सकता है, ठीक है. रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये तो सबको पता है 99.5% क्या है, ये वाटर ही है. When the body water content decreases, saliva secretion also decreases. This causes dryness of mouth and induces thirst. When water is taken, it quenches the thirst and restores the body water content. Clear? तो ये इसका इफेक्ट हो गया.